तो लाइब्रेरीज, जैसा कि आज के दौर में सोशल मीडिया है, तो पहले के दौर में अगर आपकी बात लोगों तक पहुंचाना है तो कोई यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल तो नहीं होता था, रेडियो भी ज्यादा मेरे ख्याल से आया नहीं था। लेकिन बहरहाल लाइब्रेरीज जो है एक इफेक्टिव सोर्स थे अपने ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाने का। आपको अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है तो बहुत स्लो होता काम, कई महीने लग जाते, लेकिन आप अपने फिक्र के मुताबिक 100 किताबें लाके एक लाइब्रेरी बना दो, लोगों को बोला आइए पढ़िए। जॉब्स तो नहीं रहते थे पहले, लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत रहती थी, तो लोग आते थे लाइब्रेरी में, बैठते थे, किताबें पढ़ते थे, और उनको जो है कुछ ना कुछ फिर उनको धीरे धीरे बोलते थे क्या कैसा पढ़े, क्या समझ में आया बोलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद बोलते ऐसा ये भी किताब पढ़ो वो भी पढ़ो। तो लाइब्रेरी जो है बहुत इफेक्टिव सोर्स है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो लाइब्रेरी जो है पूरे तेलंगाना में कायम किए गए थे। रनसा, रनसा मतलब लोगों में एक कल्चरल अवेकनिंग के लिए, क्या है तेलुगु लैंग्वेज की, तेलुगु जबान है तो उसको अपने को बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो लाइब्रेरीज मूवमेंट बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करा था। तो ये एक नाम है यहाँ भी, कोम्मराजु लक्ष्मण राव, रवि रावी चट्टू रंगा राव, ठीक है, ये कुछ नाम है, याद रखना जरूरी है, बस आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। मुनगाला राजा वेंकटा नरसिंह राव, ये बड़े नाम है जो लाइब्रेरीज मूवमेंट्स को कायम करे थे। इसका मकसद क्या है, तेलुगु लैंग्वेज के रनसा के लिए, यानी उसको दोबारा से बहाली के लिए। तेलुगु जबान कब से है, काकतीय से पहले से है, लेकिन बहमनिया आए उसको कम कर दिए। उसके बाद बहमनियों के बाद कौन आए, कुतुब शाही, कुतुब शाही आए कम कुतुब कर शाही, दिए, मुगल आए कम कर दिए, आसिफ आसिफ जाए जाही, ऑलमोस्ट 13वीं सदी से 19वीं सदी तक, 600 साल तक आपकी जबान को जो है रोक दिए, जबकि लोग आपके, आप मजहब के मतलब फॉलोअर्स आपके, तो होता ना एक ख्याल के भाई हम अब 600 साल कोई जबान अगर दबी भी है तो फिर क्या होगा उसका हाल सोचिए आप, होता नहीं होता। जी सर, तो ये हाँ सब है, सर, तो इनकी कोशिशों से क्या हुआ कि अपने जबान के बढ़ावा मतलब तेलुगु जबान के डेवलपमेंट के लिए क्या है लाइब्रेरी मूवमेंट तेलंगाना में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। लेकिन यही लाइब्रेरी मूवमेंट आगे जाके निजाम के पॉलिसीज के खिलाफ और लोगों को जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने में यही लाइब्रेरी मूवमेंट वो भी करा था। तो ये क्या है, उसके बाद ये क्या हुआ कि कई कल्चरल और लिटरेरी एसोसिएशंस वजूद में आए, ये सब नाम है मैं आपको बोलूं, जैसा कोम्मराजु लक्ष्मण राव और ये गाड़ी चरला, हरि सर्वोत्तम राव और कालेश्वर राव, ये लोग क्या करते थे तेलंगाना के लोगों के साथ कल्चरल लिंक्स बनाने की कोशिश करते थे। तो इसके लिए ये लोग क्या करे, अलग अलग प्लेसेस पे लाइब्रेरीज बनाए, जैसा श्री कृष्णा देवराया आंध्रा भाषा निलयम, ये एक लाइब्रेरी है, इसको जो है 1901 में कायम करते, और इसी तरह जो है एक और लिटररी अदबी तंजीम कायम करते, विज्ञाना चंद्रिका मंडली, ये भी कायम करते, तेलुगु बुक्स जो साइंस और लिटरेचर और हिस्ट्री में जो लिखे गए उनको छापना और उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा 2 तेलुगु लाइब्रेरी, जैसा श्री राजा राजा नरेंद्र भाषा निलयम और इसी तरह आंध्रा संवर्धिनी लाइब्रेरी, ये दोनों 1904 और 1905 में हनुमकोंडा और सिकंदराबाद में कायम करते। तो आप देख रहे कैसा, ये सारे याद रखना जरूरी नहीं बट आपको पढ़ना पड़ेगा 1 से 2 बार, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी मूवमेंट्स कैसा धीरे धीरे लाइब्रेरी कायम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही बात, कल्चर और लिटरेचर के बढ़ावा के लिए हम क्या करते, आंध्रा और तेलंगाना इलाकों में जो है हम एक आपसी जो है हम आहंगी पैदा करके जो है जबान और अदब के फरूग के लिए काम करते। तो इसी तरह हैदराबाद रिकॉर्ड के नाम से एक और अखबार 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर 1870 के बाद शुरू करते ये लोग, ठीक है। और ये है, ये क्या करते एक बहुत ज्यादा हैदराबाद के लोगों में जो है एक एक बेदारी का काम करते। इसी तरह एक और 2 अखबार शुरू करते, नीलगिर पत्रिका और तेलुगु पत्रिका, ये भी जो है अहम रोल अदा करते, ठीक है।